हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी सबकी दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। तो आज की वीडियो है ये सुंदर सुंदर कैंडल होल्डर्स के ट्यूटोरियल के लिए। तो दिवाली की प्रिपरेशंस के अंदर सबसे पहले तो हम सबसे पहले दिए, कैंडल्स, ये सब परचेज़ करते हैं। तो क्यों ना इनको कुछ यूनिक तरीके से सजाया जाए। तो मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ दो आइडियाज़ जिससे आप अपनी सुंदर सुंदर टी लाइट कैंडल्स को सजा सकते हैं, और ये रंगोलीस पे भी बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले। इट्स अ रिक्वेस्ट। और एक और प्लीज़, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हमें ये मटकी वाली कैंडल होल्डर को बनाने के लिए चाहिए कार्डबोर्ड, मटकी, और कार्डबोर्ड के टू पीस चाहिए हमें, एक सर्कल और एक स्क्वायर। अब हमें इस स्क्वायर को और सर्कल को गोल्डन पेंट कर रही हूँ मैं, एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। इस तरीके से पेंट करके इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम अपनी मटकी को सजाएंगे। मटकी को मैं गोल्डन पेंट कर रही हूँ थीम के अकॉर्डिंग मैच करते हुए। फिर हम इसके ऊपर पर्ल्स की डेकोरेशन करेंगे। जो पर्ल्स स्टिकर्स आते हैं आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, बहुत ही चीप होते हैं, 10-10 रुपीज़ के पैकेट्स मिल जाते हैं। इसको पेंट होके ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए, ये हाफ पर्ल स्टिकर्स हैं और ये मैं ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट करे जा रही हूँ लाइन बाय लाइन। मैं बीच में गोल्डन भी लगाऊंगी सेम। ये देखिए मटकी रेडी हो गई और ये कितनी सुंदर लग रही है। बीच में मैंने गोल्डन का हिंट भी दिया है ताकि हाईलाइट हो जाए इससे। अब हम इसके ऊपर, ये जो इसका बेस था ये ड्राई हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर चारों बॉर्डर्स पे लेस लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर जो इसका मटकी के ऊपर जो सर्कल लगाना है इसको डेकोरेट करेंगे फ्लावर से। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं रेड कलर के, मैं इसको सर्कल में पेस्ट करते रहूँगी फेविबॉन्ड की हेल्प से। देखिए ये इस तरीके से देखेगा पेस्ट होने के बाद। अब इस कैंडल होल्डर के सारे एलिमेंट्स रेडी हैं, अब हम इनको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले मटकी को मैं पेस्ट कर रही हूँ बेस के ऊपर इस तरीके से। अभी सर्कल को मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। और बस इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और ये रेडी है। अब ये नेक्स्ट जो हम कैंडल होल्डर बना रहे हैं ये एक शैडो कैंडल होल्डर है। इसके लिए हम पहले बेस बना रही हूँ मैं। बेस के लिए मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस लिया है स्क्वायर शेप में, और मैं इसे एक्रेलिक ब्लू पर्ल एक्रेलिक कलर्स जो आते हैं उसे पेंट कर रही हूँ बेस को। इसकी थीम मैंने ब्लू रखी है। और इसके लिए एक और चीज़ चाहिए आपको, वो चाहिए वेस्ट किचन रोल। सेम इस किचन रोल को भी मैं ब्लू एक्रेलिक पेंट से ही पेंट कर रही हूँ। ये पेंट्स थोड़ी इनमें शाइनिंग होती है तो दिवाली पे बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्हें भी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इस शेडो कैंडल होल्डर के लिए आपको चाहिए होगा इस तरीके का पीस जिससे शेडो बन सके। ये आपको वेडिंग कार्ड पे, डायरी फ्रूट बॉक्स पे, कहीं पे भी मिल जाएगा। और मैं इसे सिल्वर पेंट कर रही हूँ और इसको मैं पीछे की तरफ पेस्ट करूँगी कैंडल उस पे किचन रोल के, जिससे शेडो क्रिएट मेरा हो। इसका बेस रेडी हो चुका, ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके कॉर्नर्स पे, बॉर्डर्स पे लेस लगा रही हूँ पिंक कलर की। आप कोई सी भी कलर की लगा सकते हैं जो आपको पड़ा हो, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ लेनी है जो मैंने ली है, आप जो मर्ज़ी जो आपके पास अवेलेबल चीज़ है वही उससे काम चला सकते हैं। बेस पे इसको पेस्ट कर देंगे फेविबॉन्ड की हेल्प से। अभी सारी चीज़ें अच्छे से फिक्स हो चुकी हैं इसके ऊपर, ये कैंडल होल्डर के लिए ये जो किचन रोल पेस्ट किया था ये भी ड्राई हो चुका है अच्छे से। अब मैं इस पे शेडो वाला ये जो पीस है ये अटैच कर रही हूँ। आप इसको अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं और थोड़ा बेस की मज़बूती के लिए न्यूज़पेपर इंसर्ट कर दीजिएगा इसमें। ये देखिए ये अब पेस्ट हो चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है। मैंने इसमें थोड़े से न्यूज़पेपर भी इंसर्ट कर दिए ताकि बेस मज़बूत हो जाए। और मैं अब इसके कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ येलो फ्लावर्स। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं बट मैंने सोचा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्टर एक्टर ऐड कर दूँ। कैसे लगे आपको ये कैंडल होल्डर्स? आप प्लीज़ शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले। हैप्पी दिवाली टू ऑल, कीप डेकोरेटिंग योर हाउस। बाय बाय।